हे गाइस, आज की वीडियो में राजस्थान जीके के 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हैं। और ये सारे क्वेश्चन पहले के एग्ज़ाम में पूछे गए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम प्रीवियस ईयर के जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन पेपर है वो सभी लेके आएंगे, ताकि आप सभी की अच्छी तैयारी हो सके। क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रत्येक पेपर में से 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 से 4 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं, अगर आप लोग राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, जिसके अंदर राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए हैं, पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2018, ये 21 अक्टूबर 2018 को हुआ था। और इसी पेपर के अंदर ये सारे 40 राजस्थान जीके के प्रश्न आए थे और इन्हीं की हम बात करेंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पुराने जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है राजस्थान जीके के, वो सभी लेके आऊँगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ में आप लोग भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? ईजी क्वेश्चन है और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, करौली में। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? राज्य स्तरीय के रूप में कितने मेले जो है, मेले तो बहुत सारे लगते हैं, लेकिन राज्य स्तरीय कितने पशु मेले आयोजित किए जाते हैं राजस्थान सरकार के द्वारा? तो ऑप्शन सी, 10 मेले। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करेंगे, पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पशु पोषण आहार प्रयोगशाला, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जामडोली जयपुर। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे, गोमती सागर पशु मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? गोमती सागर पशु मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, झालरा पाटन। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करेंगे, राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पे है? पशु चिकित्सा, राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पे है? 5 का ऑप्शन बी, बीकानेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? राष्ट्रीय, नेशनल ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? 6, डी, बीकानेर के अंदर। 7 की हम बात करेंगे, राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा या किसान आंदोलन जो कि कहाँ से आरंभ हुआ था, क्योंकि सबसे बड़ा किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन है और जो बहुत लंबे समय तक चला था, ऑप्शन ए, बिजोलिया। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करेंगे, वह स्थान जो अपनी मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए फेमस है, मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, 8, ऑप्शन ए, मोलेला। 9 की हम बात करेंगे, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान की गिरफ्तार होने वाली पहली महिला, 9, ऑप्शन बी, अंजना देवी चौधरी। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करेंगे, एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल जिले थे? मत्स्य संघ के अंदर 4 जिले शामिल थे और इसके ट्रिक भी आप लोग सभी जानते हैं, ABCD, यानी अलवर, भरतपुर, करौली और डी का धौलपुर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करेंगे, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के AGG यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? AGG 1857 की क्रांति में कौन थे? 11वें का सी, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 12 की हम बात करेंगे, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में, वो सभी जानते हैं 7 चरणों में, लेकिन ये प्रश्न आए हुए हैं और कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। इस पेपर के अंदर जो 40 क्वेश्चन हम लेके आए हैं उसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन आने वाली भर्ती में आपको देखने को मिल जाएंगे। 13 की हम बात करेंगे, मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के राज प्रमुख बने थे? महाराज प्रमुख, सॉरी, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख कौन से साल बनाया गया था? 13, ऑप्शन बी, 1948 में। 14 की हम बात करेंगे, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पे? बीकानेर के अंदर है। 15 की हम बात करेंगे, अजरक प्रिंट का संबंध बाड़मेर से है। क्वेश्चन नंबर 16, नौलखा दरवाजा निम्न में से किस स्थान का भाग है? नौलखा दरवाजा किस किले का भाग माना जाता है? किस कौन से किले का है, कौन से दुर्ग का भाग है नौलखा दरवाजा? तो 16 का हो जाएगा, ए, रणथंभौर का। धानवन दुर्ग के बीच स्थित होता है,
धनवंत ध्रुव जो कि किनके बीच में होता है, जंगल, रेगिस्तान, जल या पहाड़ियाँ? 7 17 ऑप्शन बी रेगिस्तान में। 18 की हम बात करेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? 1576 ऑप्शन डी। 19 की हम बात करेंगे, किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी? इनमें से कौन से विद्वान ने कहा था कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई थी? 19 ऑप्शन सी कवि चंद बरदाई। 20 की हम बात करेंगे, राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमसा भी प्रश्न बन जाता है कि ये क्या है, तो ये कपड़ा है। और 21 की हम बात करेंगे, वालर नृत्य किस जाति का लोक नृत्य? ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है, ग्राशिया। 22 की हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सा आभूषण कान का, इन चारों में से कौन सा आभूषण कान का है? टीका, बूली, टोटी या रिमझोल? 22 की हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टोटी। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करेंगे, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? 23 डूंगरपुर बांसवाड़ा, ऑप्शन सी वागड़ी। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करेंगे, निम्न में से कौन से स्थल को धूल कोट भी कहा जाता है? दूहुल कोट आहड़ को कहा जाता है, ऑप्शन बी। 25 की हम बात करेंगे, पृथ्वीराज विजय कई बार प्रश्न बन चुका है और जिसके लेखक है जयानक। और हम 26 की बात करेंगे, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? मानगढ़ का जनसंहार, मानगढ़ हत्याकांड भी कह सकते हैं, 26 ऑप्शन बी 1913। 27 की हम बात करेंगे, राजस्थान के निम्नलिखित में कौन सा भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया? 27 ऑप्शन सी उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान के अंदर जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये सबसे बड़ा है। 28 की हम बात करेंगे, राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार है? उड़िया का पठार ये जो कि सिरोही के अंदर, 28वें का हो जाएगा सी। 29 निम्न में से कौन सा जो है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व माना जाता है? राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व, 29 ऑप्शन सी तापमान। 30 की हम बात करेंगे, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया, तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन सी पवन अपरदन यानी हवा से अपरदन। 31 राजस्थान में वर्ष 2014-15 के दौरान सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन किस जिले में किया गया? 2014-15 के आंकड़े की यहाँ पे बात चल रही है क्योंकि 2018 का पेपर था और उस समय ये प्रश्न आया था। 31 का आप लोग उत्तर देने की कोशिश कीजिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलवर में। 32 निम्न में से कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? कौन सी भेड़ की प्रजाति? 32 ऑप्शन बी चोकला। 33 की हम बात करेंगे, निम्न में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ के अंदर इनमें से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना चल रही है? 33 ऑप्शन बी जाखम परियोजना। 34 की हम बात करेंगे, मोरिजा बानोलो खनन क्षेत्र, मोरिजा बानोलो खनन क्षेत्र किसके लिए है? ये खनन क्षेत्र जो है किसका जो है खनन होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे लोहे अयस्क का होता है, ऑप्शन बी। 35 की हम बात करेंगे, जयपुर से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का नया नंबर, देखिए ये 18 का पेपर है और आंकड़े ये बदलते रहते हैं अनुच्छेद संख्या, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 36 जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है? 36 ऑप्शन सी खंडीन कहा जाता है, जहाँ पे पानी को इकट्ठा किया जाता है। 37 की हम बात करेंगे, किस एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है? किस जो है पक्षी के लिए या फिर किस पशु के लिए सरिस्का फेमस है, सरिस्का अभ्यारण्य? 37 ऑप्शन डी हरा कबूतर, 37 ऑप्शन डी। 38 की हम बात करेंगे, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार
रक्षित वन क्षेत्र श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान का कुल वन क्षेत्रफल कितना है? जो राजस्थान सरकार की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 2017, उसमें रक्षित वन श्रेणी में जो वन आते हैं उसका कितना प्रतिशत है? 38, ऑप्शन ए 38.11। 39 की हम बात करेंगे, राजस्थान में निम्नलिखित कौन से जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? लाल लोमी मिट्टी जो है वो कौन से जिलों में पाई जाती है? 39 का हो जाएगा ऑप्शन बी, डूंगरपुर उदयपुर जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। और 40 क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को देना, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर जो वीडियो देख रहे हैं उन सभी को ये प्रश्न का उत्तर देना है। आप लोगों को उत्तर पता नहीं है तो भी आप लोग कोशिश कीजिए, उत्तर जरूर दीजिएगा। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपतंत्र में सम्मिलित नहीं है? पार्वती, पर्वन, सीप या अनास? इसमें उत्तर आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट का सही आता है। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, राजस्थान जीके का मैं डेली वीडियो लेके आऊँगा। जितनी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, जो अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आगे पूछे जा सकते हैं, वही मैं वीडियो लेके आता हूँ। आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।